अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव खेलते हुए प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव घोषित कर दिया है। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। यूं तो प्रियंका गांधी पहले से ही रायबरेली और अमेठी में सोनिया और राहुल के लिए प्रचार करती आई हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर उनकी राजनीति में एंट्री हो गई है। ऐसे में 2019 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प व निर्णायक हो सकता है। लोकसभा चुनावों में हमेशा से ही उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम रही है और ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश का भार सौंपा जाना कांग्रेस की रणनीति को साफ साफ दर्शाता है। राहुल गांधी ने भी दावा किया था कि अभी लोग कांग्रेस पार्टी को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन 2019 का चुनाव वो पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और सभी को सरप्राइज भी कर देंगे। प्रियंका के पार्टी में आने का असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। हालांकि प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश और आगामी लोकसभा चुनावों पर जरूर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि रायबरेली से अगर सोनिया नहीं लड़ी तो प्रियंका गांधी उम्मीदवार हो सकती हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस रायबरेली सीट से भी उतार सकती है। अभी तक यहां से उनकी मां और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी 4 बार सांसद रही हैं, पर आगे देखना होगा कि आखिर कांग्रेस की क्या राजनीति और रणनीति है। न्यूज़ डेस्क।